हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीपल मोहित सिंधव। आज हम लौकी का हलवा बनाने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 बड़ी बड़ी लौकी ले ली है, जो हमारे खेत में ही बनती है। और ये मैंने उसके छिलके निकाल के उसे थोड़ा सा पील कर लिया है, और अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे। अगर आप चाहे तो उसका सिर्फ बीच वाला पार्ट है वो, और उसका जो बीज होते हैं वो बीच में छोड़ भी सकते हैं उसको, अगर पील ना करें तो। लेकिन हमारे घर की है और खेत की है, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, उसमें बीज नहीं है, तो मैं उसको पूरा ग्रेट कर लूँगी। अब मैंने एक पैन ले लिया है, गैस पे चढ़ा दिया है, और 1 चम्मच जितना उसमें घी डाल दिया है। अब मैंने यहाँ पे ग्रेट की हुई उसमें लौकी डाल दी है। मैंने इसमें से पानी नहीं निकाला है, क्योंकि मैं इसे ऐसे ही पकाने वाली हूँ, तो उसमें पानी चाहिए, नहीं तो वो जल जाएगा। अब उसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी घी के साथ। मैं यहाँ पे घी का यूज़ बहुत ही कम कर रही हूँ, अगर आप चाहे तो उसमें और भी ज़्यादा घी डाल सकते हैं। उसे घी के साथ अच्छे से एक बार मिक्स कर लूँगी। उसे मैंने 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दिया था मीडियम फ्लेम पे। अब मैंने उसको खोला है और उसमें एक बार ऐसे चेक कर लूँगी। अभी उसमें बहुत ज़्यादा पानी है तो ही ज़्यादा अच्छा है, तब ये अच्छे से पक जाएगा। अगर पानी कम रहेगा तो वो नीचे बैठ जाएगा। तो मैंने लौकी में से बिल्कुल भी पानी नहीं निकाला है, और ऐसे ढक के उसे पकाना है ताकि वो कच्चा ना रह जाए। अब बार बार हमें इसे और 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाया है। अब मैंने 1 बाउल जितना मिल्क ले लिया है, मिल्क के साथ अच्छे से उसे मिक्स कर दूंगी। मिल्क और लौकी अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे चीनी ले ली है। चीनी आप अपने हिसाब से थोड़ी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी को भी मैं अच्छे से उसके साथ मिक्स कर दूंगी। चीनी, मिल्क और लौकी, इन तीनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद वापस मैं उसे 10 मिनट के लिए उसे ढक के मैं पकाऊंगी। अभी भी उसमें बहुत ज़्यादा पानी है। अब मैंने यहाँ पे दूसरे गैस पे एक और पैन चढ़ा दिया है, और मैं उसमें खोया डाल दूंगी। ये करीब 300 ग्राम जितना खोया है, उसे मैंने गर्म करने के लिए धीमी फ्लेम पर चढ़ा दिया है, और उसे हम ऐसे बीच बीच में हिलाते हुए उसके छोटे छोटे पार्ट्स कर लेंगे और उसे हम पिघलने देंगे। बीच बीच में हम ये लौकी भी उसको हिलाते रहेंगे। अब आप देखिए, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है और इसमें पानी बहुत ज़्यादा सूख गया है, लेकिन अब हमें इसे बार बार इसे हिलाते रहना है। दोनों साइड का गैस है मैंने अभी लो रखा है, और बीच बीच में मैं इस खोए को भी हिलाते रहूँगी। ये देखिए, अब इसमें से घी छूटने लगा है, तो इसे और एक बार ऐसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब ये खोया है बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो मैं यहाँ पे ये खोए को है ये लौकी में डाल दूंगी। ये देखिए, अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। खोया है वो लौकी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, और उसका सारा पानी है वो एकदम ड्राई हो जाए, तब तक हमें ऐसे लो मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यूसली हिलाते रहना है। अब लास्ट में हम इसमें आपके मनपसंद जो भी ड्राई फ्रूट्स है, काजू, बादाम, ये सब है, वो आप इसमें डाल दें और एक सर्विंग बाउल में लेके उसे सर्व कर दें। तो ये हमारा लौकी का हलवा रेडी हो चुका है। आप इसे खाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।